मेरे प्यारे देशवासियों, 15 अगस्त देश के प्रधान सेवक के रूप में मुझे लाल किले से देश के साथ संवाद करने का अवसर मिलता है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, वहाँ वो एक व्यक्ति नहीं बोलता है, लाल किले से 125 करोड़ देशवासियों की आवाज़ गूंजती है, उनके सपनों को शब्दबद्ध करने की कोशिश होती है। और मुझे खुशी है कि पिछले 3 साल से लगातार 15 अगस्त निमित्त देश के हर कोने से मुझे सुझाव मिलते हैं कि मुझे 15 अगस्त में क्या कहना चाहिए, किन मुद्दों को लेना चाहिए। इस बार भी मैं आपको निमंत्रित करता हूं, MyGov पर या तो नरेंद्र मोदी ऐप पर आप अपने विचार मुझे जरूर भेजिए, मैं स्वयं इसे पढ़ता हूं और 15 अगस्त को जितना भी समय मेरे पास है उसमें इसको प्रकट करने का प्रयास करूंगा। पिछले 3 बार के मुझे मेरे 15 अगस्त के भाषणों में एक शिकायत लगातार सुनने को मिली है कि मेरा भाषण थोड़ा लंबा हो जाता है। इस बार मैंने मन में कल्पना तो की है कि मैं इसे छोटा करूं, ज़्यादा से ज़्यादा 40, 45, 50 मिनट में पूरा करूं। मैंने ही मेरे लिए नियम बनाने की कोशिश की है, पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं इस बार कोशिश करने का इरादा रखता हूँ कि मेरा भाषण छोटा कैसे करूं। देखते हैं सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है।